हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ बैगन की सब्जी, मज़ेदार यमी सी। तो आप लोगों को आज मैं ये दिखाने लगी हूँ सब्जी किस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो मैं कैसे बनाने वाली हूँ ये बैगन की रेसिपी, और मज़ेदार सी बनेगी। और चलें आगे आप लोगों को दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया। मैं सुबह, मतलब मैं उठ चुकी हूँ, मेरी सुबह 1:30-1 बजे होती है मेरी सुबह ही और मैं उठ चुकी हूँ। और अभी हम लोगों ने, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी हो रही है। कल मैंने कपड़े धोए थे हम लोगों ने, सिस्टर ने, मैंने, मम्मा की तो तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा धुलवाती है हमारे साथ, लेकिन मम्मा ने नहीं धुलवाए, हम लोगों ने धोए हैं सिस्टर ने और मैंने। तो सिस्टर ये कपड़े उठाकर उतार के लेकर आ गई हैं। मैं नाश्ता कर रही थी, खास नाश्ता नहीं करती हूँ, बस ये पापा के कपड़े हैं। इतने सारे कल तो कपड़े हो गए थे, 11 सूट पापा के, देखें कितने सारे पड़े हुए। तो ये देखें कितना फैलावा हो रहा है पूरे रूम में, कितना फैलावा हो रहा है पूरे रूम के अंदर, कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों को 20 साल पुरानी अलमारी दिखाने वाली हूँ हमारी मम्मा की, हमारे नाना के। नाना ने मम्मा को जेब में दी थी, वो कभी भी नहीं फेंकती हैं इसको, बोलती हैं नहीं मैं इसको कबाड़े में नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे नाना, मेरे अब्बा की निशानी है। तो यहाँ पे हमारे कपड़े रखे जाएंगे सारे भाई। लेकिन जो बात है, ये अलमारी जो है ना, बहुत काम आती है माशाल्लाह से। तो अभी हम लोग यहाँ पे कपड़े रख देंगे सारे, ठीक है। उसके बाद ये मैं अभी साफ़ सुथरा यहाँ पे सेटिंग वेटिंग कर लेंगे हम लोग। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं अभी क्या बनाऊँगी खाने में। तो मैं बैगन की रेसिपी, अच्छा बैगन की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बैगन की रेसिपी भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत इजी और कम मसालों में मज़ेदार से बनाती हूँ। लंबा सा व्लॉग नहीं करने वाली, तो चलें हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अभी सब्ज़ी काटने लगी हूँ, हमारी ये प्यारे प्यारे से बैगन काटूँगी इस कटोरे में, पानी में ही काटूँगी ताकि काले ना हो जाए। तो व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ काट की सब्ज़ी, मैंने बैगन काट के रख लिए हैं और मैंने पानी में से भी इनको निकाल दिया है, पतली पतली स्लाइस की तरह मैंने इसको काटा है। और ये देखें, ये मैंने टमाटर काट लिए थे, 3 टमाटर ले लिए थे, और ये ले लिया था मैंने इसके अंदर हरा धनिया ले लिए, खुद ज़्यादा सामान नहीं डालूंगी, बहुत कम मसाले डालूंगी, कुटी हुई मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ कुटी नहीं 1.5 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्चें ली हैं सॉरी, और 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, और 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और नमक ले लिया है आधा, मतलब 1 स्पून मैंने वो ले लिया छोटा सा, मतलब नमक छोटा, ज़्यादा नहीं लिया है, और मैंने ऑयल भी भगोने में डाल दिया है। तो व्यूअर्स, ये मैं अब बनाने लगी हूँ बैगन, थोड़े से मसालों में बनाऊंगी और बहुत मज़ेदार से बनाने वाली हूँ, आप लोगों को रेसिपी दिखाने लगी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और कहने वाली हूँ कि मेरे वो मुझे एक कॉमेंट्स आया था, वो मुझे बहुत ही बुरा लगा ना, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं कहा, वो बहुत उम्र की थी, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उनके ब्लॉग में गई, मैंने उनको अच्छी तरीके से उनका मतलब उनकी वीडियो भी फुल वॉच भी की, उनको कमेंट भी अच्छा सा किया, और मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, क्योंकि मेरी फैमिली जो है, मेरे माँ बाप ने मुझे बदतमीज़ी नहीं सिखाई है। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा कि आपके बर्तनों को आप बर्तन तो क्लीन कर ले, तो मेरे बर्तन क्लीन ही होते हैं, ये जो मेरे मामा का भगोना है ना, ये बहुत ओल्ड भगोना है, मुझे इस पलटे के बिना खाना मुझसे बनता नहीं है, और इस भगोने के बिना मुझसे खाना नहीं बनता, मम्मा ने मुझे न्यू भगोना ला के दिया है, उसमें मैं फिर भी नहीं बनाती हूँ। और ये तो जाहिर सी बात है, ओल्ड हो गया तो ये तो ब्लैक निशान तो हो ही जाते हैं। मैं लोगों के बर्तन देखती हूँ इतने गंदे गंदे होते हैं, फिर भी कुछ नहीं, कोई हेटर से कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन मुझे ही उन्होंने ऐसा कहा कि बर्तन क्लीन करके खाना बनाएं, तो मेरे बर्तन क्लीन ही होते हैं, और अगर नहीं होते क्लीन तो आप आ जाएँ, आके मेरे बर्तन क्लीन कर दें, मैं आपको 1000 रुपये दूँगी, मांझ मांझ के मेरे को रगड़ रगड़ के दे दें, मैं आपको ज़रूर पैसे दूंगी आपको, अगर आप मतलब मेरे बर्तन अच्छी तरीके से धो के जाएंगी तो, ठीक है। और अगर मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ, लंबा हो रहा है व्लॉग। मैं ज़ीरा ऐड करने लगी हूँ सबसे पहले, ठीक है ना, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ट्राईपॉड नहीं लगा रही, मेरा दिल नहीं कर रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है, और अब मैं बनाने लगी हूँ, अभी ये ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो मैं मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, वो मुझे बात अजीब सी लगी थी, क्योंकि इस तरह से लोगों के घर भी, मेरा घर तो आप लोगों ने देखा होगा, इतना माशाल्लाह साफ़ सुथरा, इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, हमारे घर में जितनी सफाई होती है ना, मैं कहती हूँ किसी के घर में इतनी सफाई नहीं होती होगी, इस कदर मतलब कपड़े धोना होते हैं, इतना काम होता है घर में, यकीन माने।
और ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए, सही है ना। अल्लाह का शुक्र है जो भी मेरे घर पे बर्तन है, जो भी मैं खाना बनाती हूँ, सादे तरीके से खाना बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो चोचले करो कि ना डिनर सेट निकाल के बैठ जाओ, ये करो वो करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सादे तरीके से खाना बनाती हूँ, मैं सादी सी लड़की हूँ और मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ। आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं, जिसको नहीं देखना तो मतलब गलत कमेंट्स मत किया करें। तो मुझे ये बात मेरे दिल को लगी है, मुझे बहुत बुरी लगी है, और मेरे से जो प्यार करते हैं मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं है, और उनसे तो मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है, यकीन करें बहुत खुशी होती है। देखें ये पीछे से कितना चीख रहे हैं ये पैरेट, अल्लाह कितना चीखते हैं ये पीछे से। चलें तो फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं ये कैसे बनाने वाली हूँ। ये ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, तो उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। चलें तो मैं टमाटर ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिट, ये मैं ऐसा लग रहा है जैसे मरी में बर्फ़ फोड़ी होती है ना, फोड़ रही है और सॉरी पानी टमाटर का जो खाना उसकी वजह से ये थोड़ा सा मतलब है ना ऐसे हो गया, और मैं तो दूर ही भाग जाती हूँ, मुझे इतना डर लगता है कि मैं जलना जाऊँ इतने साल हो गए मुझे खाना बनाते हुए, लेकिन अभी भी मैं मतलब डरती हूँ। तो अभी मैं इसमें जाने लगी हूँ, ये मसाले करने लगी हूँ, ठीक है सारे पता है इतने चटपटे से बनने वाले हैं हमारे ये बैगन की रेसिपी। मैं आलू बैगन की रेसिपी नहीं बना रही, बैगन में आलू अम्मी डालने ही नहीं देती, वो कहती हैं सिर्फ मुझे बैगन ही पसंद है, तो बैगन ही अच्छे लगते हैं, चावल बैगन। और वैसे चावल कल खिचड़ी बनाई थी तो वो उसमें ही मतलब हम लोग डाल के खा लेंगे, और उसके अंदर मतलब रोटियां भी मुझे बनानी है, तो मैं भी आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाए। तो ये वाले से मेरे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो अब मैं इसके अंदर बैगन ऐड करने लगी हूँ। ये बैगन की रेसिपी यकीन मानें बहुत मज़ेदार बनती है, जब हम लोग उसे खाते हैं ना। मतलब चावलों से खाते हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है ये बैगन की रेसिपी, माशाल्लाह यम्मी सी। तो अभी तो व्यूअर्स ये मैंने बैगन भी मिक्स कर दिए, मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर देती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में दोबारा से डालूँगी थोड़ा सा और हरा धनिया, हाफ़ में इसमें ऐड कर रही हूँ, हाफ़ में बाद में कर दूँगी। और अभी मैं इनको दम पे रख रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह मज़ेदार से। फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक इसका दिखाने वाली हूँ कि कैसे बने, ठीक है जी जी। चले तो मैं अभी इसको दम पे रख रही हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखिए मेरा सालन रेडी हो चुका है बनके, मज़ेदार यम्मी सा बैगन का सालन, और देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से बना दिया इसको। इसको अब हम खाएंगे रोटी के साथ भी, और उसके साथ भी खाने वाले हैं चावलों के साथ। तो ये चावलों के साथ बहुत मज़े के बैगन बनते हैं और खाने में मज़े के लगते हैं, और बहुत यम्मी सा हमारा सालन बन चुका है माशाल्लाह। और आज आप लोग भी खा लें, तो अभी मैं हम लोग खाना खाने लगे हैं, आप लोग आ जाएं खा लें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल पर जो भी नहीं हुआ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी मैंने बात व्लॉग में बोली है उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ अगर बुरा लगा हो तो, और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उसके उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, और बहुत खुश हूँ कि वो लोग मुझे आप लोग सपोर्ट करते हैं, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, हमारा साथ बना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला, अभी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।